हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता अंजलि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं या किस तरह आप सफलता की सीढ़ियों को पार करते हुए एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि आपको अपनी कुछ आदतों में चेंजेस लाने पड़ेंगे जिस कारण आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी आदतें लेकर आइए अपने अंदर ताकि आपको सफलता शीघ्र ही मिल सके। उसमें है सबसे पहले कि समय, आप समय की कद्र करना सीखिए। काफ़ी लोग होते हैं कि समय निकलने के बाद अफसोस जताते हैं, जैसे कि पढ़ाई का टाइम निकल गया, उन्होंने उस टाइम तो सीरियस नहीं लिया उस चीज़ को कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब वो अफसोस कर रहे हैं कि यार काश मैं पढ़ लेता तो आज कुछ होता, कुछ बन गया होगा, होता अच्छी नौकरी कर रहा होता, इस लायक होता कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपना जो यंगेस्ट है, यंग समय जो है उसको लेकर, बुढ़ापे के बीच का जो समय है उसको यूटिलाइज ना करते हुए यहाँ वहाँ भटकते हुए अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं करते, फिर बाद में जब बुढ़ापा आता है तो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते, फिर बच्चे कुछ ऐसे नालायक निकल जाते कि वो बच्चे साथ में रखना पसंद नहीं करते, तब वो अफसोस करते कि काश मैं अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके थोड़ा सीरियस होता तो आज मेरे ये दिन नहीं होता, मैं बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होता, मुझे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती, आज मैं इस लायक तो होता कि कुछ अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर रख चुका होता ताकि मैं किसी पर डिपेंडेंट ना हूँ, खुश रहूँ। तो समय की कद्र करना सीखिए। उसके लिए आप सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना सीखिए। अब सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात को समय पर सोना होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप रात को 2 बजे सोएं और सुबह 4 बजे उठने की इच्छा करें और आप जैसे तैसे अपने को धक्का मारकर 4 बजे उठ भी जाएंगे तो आपका जो आने वाला अगला दिन है वो पूरा दिन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप रात को अच्छी नींद नहीं ले सके तो सुबह जल्दी उठकर भी आप क्या करेंगे, आपके सारे दिन की जो दिनचर्या है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपको सारा दिन आलस आएगा, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, इतना आलस भर जाएगा कि काश मैं सो जाऊं यार जाके, किसी काम में मन नहीं लगेगा तो कोई मतलब नहीं। तो आपको अपनी पूरी दिनचर्या एक समय के हिसाब से बांटनी होगी कि रात को समय पर सोएं, क्योंकि रात को जागने से तो कुछ नहीं होना है, समय पर सुबह उठें। सुबह उठने के काफ़ी फायदे हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको अपने लिए या आपका जो भी उद्देश्य है आपने तय किया है, अपना लक्ष्य है, जो आपका करियर है या आपका जो गोल है आपने जो सेट किया है, उसको सोचने के लिए सुबह के टाइम काफ़ी वक्त मिलेगा कि आपको आज दिन भर में क्या करना है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आपको अपनी सेहत के लिए, आपको अपने हेल्थ के लिए खुद वक्त मिलेगा, आपको अपने ब्रेकफास्ट के लिए, बाकी जो दैनिक दिनचर्या के कारण है, जो दिनचर्या के काम है उसके लिए काफ़ी वक्त मिलेगा, आप हड़बड़ाहट में नहीं रहेंगे। जैसे कि आप यदि 9 बजे सुबह उठते हैं, आपको ऑफिस जाना है, अपने बिजनेस के लिए जाना है, किसी काम के लिए जाना है, तो आप हड़बड़ाहट में रहेंगे कि यार समय निकल रहा मुझे जल्दी जाना, आप ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगे, आपने जो प्लानिंग करनी थी वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतना लेट उठे हैं कि आधा दिन तो आपने यूँ ही निकाल दिया, अब आपको दौड़ भाग रहेगी कि दौड़ के जाना, मुझे ये सब करना। तो समय की कद्र करना सीखें, एक भी पल के लिए आप खाली ना बैठें कि आपके पास समय है, आप यूटिलाइज़ करें, कहीं ना कहीं दिमाग लगाएं, कुछ काम करें, व्यस्त रखें अपने आप को, समय की कीमत को समझें। नेक्स्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि क्या कहेंगे लोग, इस बात को सोचना बिल्कुल ही बंद कर दें। आज के समय में सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, तो इन चीज़ों को कि लोग क्या कह रहे हैं उसको ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि लोग कभी नहीं चाहेंगे, आप कितना भी अच्छा करके दे दो उनके लिए वो कुछ ना कुछ कमी निकाल लेंगे आप में कि यार तू तो ये सही नहीं कर रहा, यार तूने तो ये नहीं किया, यार तूने तो वो नहीं किया, अरे ये काम करने जा रहा है, नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। इस टाइप की बातें आपको लगातार मिलती रहेंगी। आपने यदि अपना कोई उद्देश्य तय किया है आप उसमें लगातार प्रयासरत रहें, लोगों की बातों पर, इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली के सदस्य आपकी टांग खींचने लगते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। रिश्तेदार तो करते ही करते हैं, आसपास के लोग तो करते ही हैं, दोस्त यार तो करते ही हैं, साथ में फैमिली के मेंबर्स भी, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वाकई में होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी की फैमिली ऐसी होती है, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली ऐसी होती है। जैसे कि कई लोग होते हैं जो काम धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में एक मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कुछ की पत्नियां ऐसी होती हैं कि उनका पैर खींच के रखती हैं,
आगे नहीं बढ़ आप, मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि पत्नियां ही होती हैं, कुछ हस्बैंड भी होते हैं ऐसे, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लेडीज को वो कह रही हूँ, कुछ लोगों के साथ ये समस्याएं होती हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए आप अपने कार्य में प्रयासरत रहें, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, अपने गोल पर फोकस करें, इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें कि लोग क्या कह रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि यदि आप उनको खुश करने में लग गए तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको खुश करने में ही लगे रहेंगे, और आप लाख कोशिश करने के बाद भी उनको खुश नहीं कर सकते। क्योंकि आपने 100 अच्छाई की, 100 उनके लिए कोशिशें की, वो सब फेल हो जाएंगे जब आप एक गलती करेंगे या एक जगह आप उनको ना बोल देंगे, वो सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचें कि क्या कहेंगे लोग। नेक्स्ट है स्टार्ट करना। काफ़ी लोग होते हैं जो सपने सजाते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, 100 बिजनेस तैयार करते हैं, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो काम कर लेता हूँ, ये जॉब कर लेता हूँ, जैसे स्टडी से रिलेटेड। तो पढ़ाई को लेके भी बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, करेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको, चाहे काम करना है, पढ़ाई करना है, जॉब करना है, कुछ भी करना है, कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना होगा। क्योंकि मन में तो आप ढेर सारे सपने सजाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, यार ये कर लेता हूँ, नए नए आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में, लेकिन आप स्टार्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि पहला तो आपकी काबिलियत क्या है, आपको किस चीज़ में रुचि है, आपका बजट क्या है, आप किस चीज़ में इंटेलिजेंट हैं, जैसे कि काबिलियत, उस चीज़ को आप फोकस कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा बजट क्या है, मुझे क्या करना है। चॉइस भी कि आपको इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि आप यदि अपनी चॉइस के हिसाब से किसी बिजनेस में, किसी काम धंधे में घुसेंगे तो आप काफ़ी बेहतर कर सकेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को तय करते हुए कहीं ना कहीं से शुरुआत कीजिए। काफ़ी लोग होते हैं जो डरते हैं कि मैंने ये काम शुरू तो किया लेकिन फेल हो गया तो क्या होगा, पहले ही अपने अंदर नेगेटिविटी डाल लेते हैं, यार मैं स्टार्ट तो कर लेता हूँ, लॉस हो गया तो क्या होगा, जो पैसे पूंजी लगाई वो भी चले जाएगी। पर भाई जब आप करोगे ही नहीं और घर बैठे रहोगे तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, तब भी आपका ज़्यादा नुकसान है इस बात से लेके कि आप स्टार्ट करें। यदि आप स्टार्ट करते कहीं ना कहीं आप सक्सेस पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई काम धंधा स्टार्ट किया है उसमें आप लॉस ही कर लें या आप फेल हो जाएं। इवन चलो मान लिया कि आप फेल भी हो जाते हैं, आप ट्राई करिए और आगे बढ़िए। फेल क्यों हुए हैं उस चीज़ का कारण पता कीजिए, उसमें सुधार कीजिए, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग होते हैं इस बात को वो रहते हैं, यार सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन स्टार्ट ही नहीं करते, शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो शुरुआत कीजिए। नेक्स्ट स्टेप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जैसे कि अब भी मैंने बताया कि नेगेटिविटी आ जाती है, लोग गलत पहले सोचते हैं कि मैंने काम शुरू किया, शुरू करते ये हो गया तो, उसके फ़ायदे नहीं देखेंगे, नुकसान पहले देखेंगे, और नुकसान देखते ही वो उस काम में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनने मन में पहले ही बना लिया कि यार मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। तो एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ कि मैं ये करूँगा, क्यों सक्सेस नहीं होऊंगा, मैं पूरी तैयारी के साथ इस काम को या इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा और सक्सेस ज़रूर ही हासिल करूँगा, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। नेक्स्ट है ट्राई करना। जैसे कि मैंने बताया आपने स्टार्ट भी कर दिया, बिहेवियर भी ऐसा रखें, पॉजिटिव थॉट रखें, ठीक है अब स्टार्ट कर दिया, कभी आप फेल हो गए तो फेल होने से हताश ना हो या काम को छोड़े नहीं, आप उसमें प्रयासरत रहें, ट्राई करते रहें, आगे बढ़ने के लिए सोचते रहें, उन कमियों को तलाशें कि आप किस वजह से अनसक्सेस हो गए हैं, उनको ढूंढें, उन पर काम करें और फिर से स्टार्ट करें, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। नेक्स्ट है आलस छोड़ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता जरूर है मैं को करना है, जैसे पढ़ना है, जैसे करियर के लिए या काम पर जाना है, पर आलस, यार कर लूँगा, यार कल करूँगा, यार आज और ऐश कर लेता हूँ, थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, थोड़ा घूम आता हूँ, यार दोस्त आ रहे हैं उनके साथ चले जाता हूँ, कल करूँगा, अब पढ़ना है, सिलेबस ढेर पड़ा है, कल 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 कर करके सारा महीना निकाल दिया, एग्ज़ाम सर पर आ गया, कैसे रिजल्ट आएगा आपका अच्छा। तो आपको अपने अंदर से ये वाला जो भाव है आलस वाला, इसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, आपको कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि ऐश की ज़िंदगी करे, आराम से सोए, ऐश करे, मूवी देखे, खाना खाए, ये करे, पार्टी सार्टी करे, रिश्तेदारी निभाए, हर व्यक्ति ये चाहता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही आरामदायक है। क्योंकि आपको सक्सेस होना तो कठोरता अपनानी पड़ेगी, अपने शरीर पर भी जोर देना पड़ेगा आपको। तो ये आप करेंगे, आलस हटाएंगे, तभी तो आप कुछ करेंगे।
ये थोड़ा सा कठिन रहता है लेकिन आपको करना पड़ेगा। जो महान व्यक्तियां हैं उनने अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं ये सब चीजें सोचना छोड़ने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश की है, तब जाके वो सफल हुए हैं। उन्होंने काफी कुछ त्याग किए हैं। नेक्स्ट मैं आपको त्याग ही बोलने वाली थी। त्याग से मतलब है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैमिली, काफी लोग हैं जो फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। आप यदि इसी में लगे रहोगे कि फैमिली 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 तो यही चलता रहेगा, इस रिश्तेदार के यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, आज इसके यहाँ जन्मदिन हो गया, कल उसके यहाँ यार छुट्टी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, काम धंधा सब चौपट। और आप ये मान के चलिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फैमिली की बुराई कर रही हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि यदि आप एक सक्सेसफुल मुकाम पर पहुँच गए हैं तो आपकी वो फैमिली जो कभी सपोर्ट नहीं करती थी वो भी आपके साथ खड़ी मिलेगी। ये जीवन का सत्य है। और यदि आप एक नाकामयाब व्यक्ति रहे, आप उनको पूरा टाइम दो अपनी ज़िंदगी का, उन्हीं में घुसे रहो, लेकिन आप यदि अनसक्सेसफुल मैन या अनसक्सेसफुल वुमेन रहे तो वो आपकी कभी ज़िंदगी भर इज्जत नहीं करेंगे और आपको ये ताना लगेगा आपने किया क्या है जो आपको सम्मान दें, किया क्या है, क्या करते हो, दो वक्त की रोटी देते हो, क्या दिया मुझे, क्या ऐशो आराम दिया है आपने, यही चीज़ें होंगी। तो इसलिए इनको समय दो, लेकिन उतना जितना ज़रूरी है बस। उसके अलावा अपने एम अपने उद्देश्य पर ध्यान दें आप, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना तो पड़ेगा। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपना मैक्सिमम समय इस चीज़ में लगाना कि आपको एक मुकाम पर पहुंचना है, आपका जो गोल है उसको हासिल करना है। क्योंकि यदि आपने वो हासिल कर लिया तो वो जो फैमिली, जो रिश्तेदार, जो लोग आपको बात बात पर टोंट कसते थे, आपको बात बात को आपको पैर खींचते थे, वो सब आपके साथ खड़े मिलेंगे यदि आप सक्सेस हो जाएंगे। वहीं आप सक्सेस नहीं हुए तो वही लोग आपको ताना कसेंगे। आज जो ताना कस रहे हैं कि आप उनको समय नहीं दे रहे हो, वो कल आप जब कामयाब रहोगे तो आपके साइड में खड़े मिलेंगे। काफ़ी फैमिलीज में, मैं ये नहीं बोल रही कि हर फैमिली में ऐसा होता, काफ़ी फैमिलीज में ऐसा होता है कि आपकी सफलता में उसने कोई हाथ नहीं दिया, कभी आपका हाथ नहीं बटाया, कभी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन जब आप कामयाब हो गए ना तो वही लोग अपनी रिश्तेदारी निभाने आ जाएंगे कि भैया मैं तो इनका ये लगता हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, मैं तो बहन हूँ, मैं तो भाई हूँ, मैं तो रिश्तेदार हूँ। तो भाई इन चीज़ों को त्याग करें। जब आप त्याग करेंगे, कुछ कष्ट भोगेंगे और अपने कार्य में प्रयासरत रहेंगे तभी जाके आप सफलता को हासिल करेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि ये सब चीज़ें, पार्टी करना, घूमना फिरना, रिश्तेदारी निभाना, ऐश से खाना है और सोना है, किसको पसंद नहीं आता है आज के समय में। ये सारी चीज़ें जब आप कामयाबी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। क्यों यार, दोस्त तो जा रहा है यार, वो तो ऐसा मूवी देखने जा रहा है यार, मैं भी चले जाऊँ, मैं भी ऐसा कर लूँ, मैं भी वैसा कर लूँ, समय को नष्ट करना, ये सब चीज़ें आपको बार 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 डिस्ट्रैक्ट करेंगी। क्योंकि कौन है जो चाहेगा पढ़ाई कर लूँ मैं, हर किसी का अरे पढ़ाई करना यार एक बोझ लगेगा यार, पढ़ाई करना बोरिंग चीज़ है यार, कौन करे। पर आपको अपना करियर बनाना, फ्यूचर बनाना, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है दूसरी चीज़ों से, दूसरे माहौल से, दूसरी घटनाओं से, किसी भी चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नेक्स्ट है धैर्य। धैर्य होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पर बताया कि यदि आप फेल हो जाते हो तो लोग बोरिया बिस्तर बांधते हैं, ढप बंद किया, चलो भाई नहीं हो पाएगा अपने से। अरे आप सब्र रखें और प्रयासरत रहें, आगे कोशिश करते रहें, कमियों को ढूंढें, उसमें सुधार करें, आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें लगातार ट्राई करते रहेंगे तो आप एक दिन सक्सेस अवश्य होंगे। अपने अंदर धैर्य रखें। यदि धैर्य और संयम है और गुस्सा ना करें, बात बात पर चिड़चिड़ाओगे तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आप किसी काम को करने के लिए लगाने वाले हो, वो आधा टाइम आप गुस्सा करने में और फ्रस्ट्रेट होते हुए आप अपने काम को नहीं कर पाओगे। जो आपने समय बचाया कि आप सुबह जल्दी उठो, आप आधा टाइम अपना सिर्फ किसी एम्प्लॉई पर आपके, या किसी दोस्त पर आपके, या किसी रिश्तेदार पर, किसी ने, आप घर से निकलने वाले आपकी बीवी ने कुछ कर दिया, कुछ कह दिया, टोंट कस दिया, कुछ कर दिया, अरे आपको तो काम की लगी रहती, हमको तो समय ही नहीं देते, आपका दिमाग बंद हो गया और आप दिन भर उस बात को सोचते रहे और गुस्सा करते रहे अंदर ही अंदर, तो आपने जो प्लानिंग की थी कि आज दिन भर मुझे ये करना, आप बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर धैर्य और संयम रखें, शांत रखें मन को और अपने उद्देश्य के प्रति वो रहें कि भाई मेरे को तो यही करना है, इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखती मेरी ज़िंदगी में, यहाँ से सुना और यहीं से निकाल दिया, यहाँ तक भी नहीं जाने दिया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि दूसरों के तजुर्बे से भी सीखें।
आप हमेशा एक सफल व्यक्ति के बारे में सुने, उसकी उसने जो स्ट्रगल किया है, उसने कोई काम किया है तो कैसी समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचें समझें सक्सेस होने के लिए, उनके तजुर्बों को अपने अंदर लेके आए, अपने में मतलब अप्लाई करते हुए उन चीज़ों से सीख लें। जरूरी नहीं है कि उनने जो अपना 20 साल दिया है, उन्होंने वो जो तजुर्बे गेन किए हैं वो हम भी करें और अपने 20 साल निकालें, जरूरी नहीं है ना। आप लोगों के तजुर्बे से, लोगों की सीख से भी कुछ सीख ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। तो आप दूसरों की भी कुछ सलाह है या कुछ है जो महान व्यक्तियाँ हैं, जो एक मुकाम पर पहुँच चुके हैं, उनकी उनकी आदतों से, उनकी चीज़ों से, उनके नज़रिए से कुछ सीख लेते हुए अपनी ज़िंदगी में भी अपनाएं। जैसे कि मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, ऐसे आपने ढेर सारे यूट्यूब के वीडियोस तो देखे होंगे पर उनको अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तो कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ सुनेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे थोड़े देर के लिए, लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया और आपने फिर वही चीज़ें आदत अपनाई कि भाई घूमना है, फिरना है, रिश्तेदारी निभाना, ये करना, वो करना, आप सक्सेस नहीं होंगे। ये आप भी मानते होंगे कि आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे या महान व्यक्ति बन जाएंगे या एक सक्सेसफुल बनेंगे तो आपको काफ़ी सम्मान मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको ये जो लोग हैं जो बातें कर रहे थे वो सब खड़े मिलेंगे आपके पास आपकी तारीफ करते हुए। आप उस चीज़ को सोचिए और उस चीज़ को सोचते हुए मन ही मन खुश होइए कि यार मैं वहाँ पहुँचूँगा और मेरे साथ ये सारी चीज़ें होंगी। कैसे आपको आलस आता है फिर आप देखिएगा। और नेक्स्ट और लास्ट, ईमानदार रहें, हर चीज़ के प्रति ईमानदार रहें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। आप बिजनेस करते हैं तो आपसे जुड़े कस्टमर्स, आपसे जुड़े सप्लायर्स, आपसे जुड़े हर व्यक्ति, आपसे जुड़े एम्प्लॉयज़, हर किसी के प्रति ईमानदारी बरतें। या मेरा कहने का मतलब ये भी है कि आप किसी गलत रास्ते नहीं जाएं, इंसानियत रखें, गलत रास्ते नहीं जाएं कि भाई मेरे को तो इस मुकाम पर पहुंचना, मुझे पैसा देखना। पैसे के लिए ज़रूरी नहीं कि आप गलत काम करें, चोरी करने लगे, कोई गलत काम करने लगे, ऐसा नहीं। आप ईमानदार रहें, इंसानियत रखें अपने अंदर। तो दोस्तों, मैंने कुछ टिप्स आपको दिए हैं, कुछ आदतों के बारे में आपको बताया है जो कि आपको अपने जीवन में सफल होने में थोड़ी सी हेल्प तो अवश्य कर सकेंगे। तो आप इनको अपनाएं और अपने आप को इम्प्रूव करें और अपने आप को तरक्की पर लेकर जाएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ इस विषय में, कुछ आपके पास भी हो सकता है, कुछ नज़रिया हो, कुछ टिप्स हो, आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और कुछ एडवाइस लेनी हो, कुछ हेल्प चाहिए है किसी मैटर पर तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो अवश्य तैयार करूँगी। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।